हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी सिंह, आज मैं आप लोगों के बीच फिर से अमेज़ॉन की हॉल वीडियो लेकर के आई हुई हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ही बता दी थी कि मैंने अमेज़ॉन से मेकअप ब्रश ऑर्डर की हुई हूँ, तो वो मुझे रिसीव हो गई है। उसकी रिव्यू करने वाली हूँ कि वो मुझे कैसे रिसीव हुई है और ब्रश को अपने फेस पे, अपने मेकअप पे कैसे अप्लाई करें, मीन्स कि उसे कैसे यूज़ करें, तो वो भी मैं साथ साथ आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और जितना हो सके मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। ये मुझे पहले ही रिसीव हो गई थी और मैं इसे अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, जैसे कि यहाँ पर वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं। तो मुझे ये अमेज़ॉन में, मैं इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर की हुई थी, जिसकी प्राइस आई थिंक 250 थी, बट मुझे कुछ डिलीवरी चार्ज लग गई थी तो ये 300 की मुझे पड़ी। तो अब 300 में इतनी सारी ब्रशेस देख सकते हैं। तो आज मैं एक एक करके खोल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ब्रश कुछ इस टाइप की है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 5 ब्रश है जो कि फेस के लिए है और ये 5 ब्रश है जो कि अपने आईज के लिए है, आईज के मेकअप के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आईज के लिए ही है, इसके आईज के अलावा भी आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस साब की यूज़ बताने वाली हूँ और ख़ुद पे अप्लाई भी करने वाली हूँ। तो ये टोटल 10 ब्रश आई हुई है जो कि अमेज़ॉन की है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है। मुझे ना ये एक्सपेक्ट था ही नहीं, क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत जगह लोकल मार्केट में खोजी, बट मुझे ना इतनी सारी ब्रश एक साथ जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ये अमेज़ॉन पर मिली, जो कि बहुत अच्छी इसकी रिव्यू थी, तो मैंने सोचा इसे ऑर्डर कर लिया जाए। ये ना बहुत ही अच्छी है, एक तो इसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही है, सिल्वर और ब्लैक, जो कि बहुत सुंदर लग रही है इस लुक वाइज भी। और ये ना बहुत स्मूथ है, इसकी जो ब्रश है ना ये बहुत स्मूथ है। ये किसी भी, आप जब इसे अपने फेस पे इसे ब्लेंड करने के लिए करेंगे ना, तो बहुत बहुत स्मूथली होगी, आपको भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। मुझे ना इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा, मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए मैंने जब इसे मैं ऑर्डर की थी ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये किस टाइप की आएगी, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में, मैं शादी के टाइम पे ख़रीदी थी, तो ना मुझे जितना सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी अपने ब्रशेस से, क्योंकि वो ब्रशेस मेरी ख़राब भी हो गई, बहुत जल्द ख़राब हो गई, मैंने उसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर की हुई हो। तो आज मैं आप लोगों को इसकी यूज़ भी अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक एक करके सबके बारे में बता देती हूँ कि कौन सी ब्रश कैसे यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहले है ना, ये सबसे पहले ना ये फ्लैट ब्रश है, इसे फ्लैट ब्रश बोलते हैं। तो ये ब्रश से ना आप कोई भी चीज़ ब्लेंड कर सकते हैं, मीन्स कि जैसे कि मेकअप करने से पहले रेजर या फिर प्राइमर, किसी भी चीज़ को आप इसे ये फ्लैट ब्रश से आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं जो भी अपना मेकअप करूँगी ना, वो सारी इसी ब्रशेस से करूँगी। और ये ब्रश में बहुत सारी ऐसी है जो कि आप इसे एक ही ब्रश से भी बहुत सारी चीज़ यूज हो सकती है, बट मैं आज लगभग सारे ब्रश को कवर करने की कोशिश करूँगी और मैं बताऊँगी कि ये सारी ब्रश आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग पे चल रही है आलिया भट्ट की ये वाली लुक, तो मैंने भी आज सोचा कि आज कुछ इस टाइप की लुक को क्रिएट करती हूँ। तो मेकअप विद मी के साथ आज मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस पे टोनर लगा ली हूँ। तो आप लोग भी कोई भी टोनर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो टोनर ज़रूर यूज़ करें। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद अब पारी आती है मॉइस्चराइज़र की, तो मॉइस्चराइज़र को लेकर के मैं अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र ऐसे तो मतलब आप अपने हैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज मेरी थीम ही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्रश से इसे
कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रश जो होती है वो आप, जैसे कि ये फ्लैट ब्रश है तो इससे आप पूरे फेस पे इसे लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ब्रश से एक ही यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस ब्रश से किस चीज़ में आप कंफर्टेबल है यूज़ करने में। तो ये फ्लैट ब्रश ऐसी है ना कि जैसे कि बहुत इजली वे में आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, आपकी हाथ भी गंदी नहीं होगी और ये ब्रश से आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं इसे 5 मिनट, तो अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। मैंने टोनर मॉइस्चराइजर दोनों चीज़ लगा लिया, अब बारी है प्राइमर की। तो थोड़ी सी प्राइमर निकाल करके मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। तो अगेन आज मैं हैंड नहीं यूज़ कर करके ब्रश यूज़ करूँगी। तो सेम फ्लैट ब्रश से या फिर ये ब्रश से भी आप इसे यूज़ एंगल ब्रश, जो इसे एंगल ब्रश बोलते हैं, इससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, बट मैं इसी से कर लेती हूँ। जब आप ब्रश यूज़ करेंगे ना तो एक अलग ही फीलिंग है मेकअप करने का, मुझे ना बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि मैं हमेशा से ना ब्रश से, मैं फाउंडेशन में ना ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती थी तो उसमें ना थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है मुझे कि उसे पहले पानी में डुबो करके फिर उसे ये कीजिए। और ब्रश क्या होती है, ये रेडीमेड रहती है, तो आप मेकअप जब भी करें अगर जो मतलब वो भी अच्छी है, बट मुझे पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी ब्रश ही लगती है यूज़ करना। तो अगेन इसे मैं 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ। यहाँ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मैं इसे थोड़े से अपने हैंड पे निकाल लूँगी। तो आज मुझे ना थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन लगाना है। तो फाउंडेशन लगा कर सबसे पहले ऐसा ना, ये जो आपकी सीधी वाली जो ब्रश है ना उससे आप ब्लेंड कर, चाहे तो आप एंगल ब्रश से भी कर सकते हैं, बट ये वाली जो ब्रश आती है ना ये स्पेशली आपके फाउंडेशन को ही ब्लेंड करने के लिए होती है। तो यहाँ पे इससे मैं ये देखिए कितने आराम से, कितना कितने इजी वे में ये ब्लेंड हो जा रही है। अपने आज मैं ब्रश से ही इसे सेट करने के लिए भी बताऊंगी, इसके साथ में ये आती है, बट मैं आप लोगों को इसका यूज़ करके ही बताऊंगी। ये जो फ्लैट ब्रश है ना उससे आप इसे पूरे फेस को सेट कर सकते हैं। फेस को सेट कर सकते हैं, या फिर एक ये ब्रश आती है, एक ये जो ब्रश है, ये ब्रश है पेंसिल ब्रश। तो आप जैसे कि आप अभी अपने आईब्रोज को या फिर किसी भी चीज़ को फिल करेंगे तो यहाँ पे पाउडर लगा। चलिए नेक्स्ट जो है मैं अपने आईब्रो को फिल कर लेती हूँ। मेरे यहाँ पे आईब्रो डन हो गई है, मैं आलिया भट्ट के जैसे लुक करने वाली हूँ, तो मेरी जो आईज़ की जो मेकअप होगी वो उसी टाइप की स्मोकी आई होगी। और ना मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को अपनी स्मोकी आई बनाने के लिए बताने वाली हूँ। तो इसमें जो ब्रश है, इसमें जो ब्रश है ये वाली ब्रश मैं ये ले रही हूँ, और सबसे पहले इसको के बाद, आपके पास कोई भी काजल है तो आप काजल ले लें,
या फिर जिसके पास काजल आपको लगाने का मन नहीं है तो फिर आप आई शेडो की जो ब्लैक वाली होती है वो ले ले। मैं यहाँ पे थोड़ी सी काजल ले लेती हूँ। और इसे सेम ब्रश से ब्लेंड कर लो। अब अपना जो अपने आई शेडो की जो ये ब्लैक वाली होती है ना उससे इसे ब्लैक से स्मच करें। आप तो चाहे तो सेम का क्यों गंदा करूंगी, सेम में इसे यूज करके इसे हल्के हल्के अपने आउटर लाइन पे इसे लगाएं। इसे ज्यादा बाहर नहीं होने दें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, अब कोई दूसरी ब्रश लेकर के, ये जैसे कि ये देख रहे हैं एंगल ब्रश, इससे मैं जो अपने आईज की जो साइड है उसे मैं एज की जो साइड है उसे मैं ठीक है। और इसके साइड में आप चाहे तो दूसरी भी कलर यूज कर सकते हैं, बट मुझे ना मेरी जो साड़ी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे मतलब जो उसके अकॉर्डिंग जो भी आई शेडो है मैं आज वो लगाने वाली हूँ। तो हल्की सी मरून टाइप की यहाँ पे उसके साइड में इस तरह से जब आप अपना आई शेडो लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी लुक आती है। और अगर जो किसी भी तरह से एक्स्ट्रा अगर जो आपके साइड में लग भी गई है तो उसे अपनी ब्रश से साइड हटा लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लगभग आई शैडो कंप्लीट होने वाली है। तो मुझे ना लास्ट में थोड़ी सी ग्लिटर वाली कोई भी चीज़ लगाना ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं हल्का ग्लिटर लगा रही हूँ। तो इस तरह से ना मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं पार्ट टू भी लेकर के आऊँगी और उसमें मैं अपनी पूरी फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।